Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 32 for Python, and in this lecture we are going to discuss about bubble sort in Python with logics and programs. So previous lecture में हम लोग देख चुके हैं कि sorting क्या है, particular order में numbers को arrange करना sorting कहलाता है, और technically हम collection of values को जो similar type की हों उनको array भी कहते हैं. इसके अलावा हमने समझा था कि sorting तीन तरीके से करते हैं. वैसे तो कई सारे methods हैं, लेकिन जो most popular हैं वो तीन हैं, जिसमें सिलेक्शन सॉर्ट हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, और आज इस लेक्चर में हम लोग बबल सॉर्ट देखने वाले हैं. तो आइए यहाँ पे इसका लॉजिक समझते हैं. जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में दो लूप हम लोग यूज़ कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी दो लूप यूज़ करेंगे. आउटर लूप की एक एक वैल्यू के लिए इनर लूप यहाँ पे नंबर्स को कैसे अरेंज कर रहा है, इसका लॉजिक देखिए. पहली चीज़ तो यहाँ पे दो दो नंबर्स लेकर के ये आगे बढ़ता है, साथ में दो नंबर हमेशा रहते हैं, इसलिए इसको बबल कहा जाता है, बबल सॉर्ट, क्योंकि ये दो दो का ग्रुप बना के एक बबल बना के आगे बढ़ता है. जैसे यहाँ दो को चेक करेगा, फिर अगले दो को चेक करेगा, फिर अगले दो को चेक करेगा, फिर अगले दो को चेक करेगा. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक सिंगल बबल की तरह होता है, इसको आप बबल की तरह समझ सकते हैं, तो इसलिए इसको बबल सॉर्ट बोलते हैं. अब इसमें होता क्या है कि जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में हम छोटे वाले नंबर को ऊपर ला रहे थे, यहाँ पे हम सबसे बड़े नंबर को एक एक करके नीचे भेजेंगे. तो फर्स्ट को सेकंड से चेक किया, बड़ा नंबर ऊपर था तो उसको नीचे भेज दिया, फिर हमने इसको इससे चेक किया, नंबर छोटा था तो उसको वैसे ही छोड़ दिया, फिर हम इसको इससे चेक करेंगे तो 15 ऊपर आ जाएगा, 50 नीचे, फिर हम इसको इससे चेक करेंगे. तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 50 आ गया, और 50 को 10 से चेक किया तो 50 क्योंकि बड़ा है तो 50 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास ये नंबर का अरेंजमेंट होगा. नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर से फर्स्ट सेकेंड को चेक करेंगे, और फिर वही प्रोसेस, ऊपर वाला छोटा है तो छोड़ देंगे, 45 बड़ा है हम 15 से इसको चेक करेंगे अगले स्टेप में. यहाँ पे देखिए तो 15 बड़ा है तो नीचे आ जाएगा, सॉरी 45 बड़ा है तो नीचे आ जाएगा. इसके बाद हम यहाँ पे यानी 45 और 10 को चेक करेंगे, तो 45 नीचे आएगा, 10 ऊपर. तो जब फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हुआ तो जो लार्जेस्ट नंबर था वो लास्ट में पहुंच गया, और जैसे ही सेकेंड इटरेशन कंप्लीट होगा तो जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है जैसे कि 45, वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लेस पे पहुंच जाएगा. इसके बाद थर्ड स्टेप में हम फिर से स्टार्टिंग से चेक करेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड को चेक किया हमने, अगर नंबर बड़ा है तो नीचे आएगा. इसके बाद फिर हम इसको इससे चेक करेंगे, नंबर बड़ा है तो नीचे आएगा. तो थर्ड इटरेशन में तीसरा जो बड़ा नंबर है वो यहाँ आ जाएगा. फिर लास्ट स्टेप में हमें सिर्फ एक ही बार चेक करना होगा, और ये इसको यहाँ एक्सचेंज करके वैल्यू को अरेंज कर देगा इस पार्टिकुलर ऑर्डर में. तो ये आपका बबल सॉर्ट कहलाता है, और इसी का हम यहाँ पे प्रोग्राम देखने वाले हैं. यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली हुई है, और लिस्ट को आगे हम सॉर्ट करने के लिए लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज. जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, और इसको हम ले जाएंगे लेंथ तक, एक्स की जो भी लेंथ है. हमने पहले भी इस लॉजिक को समझा था सिलेक्शन सॉर्ट में, कि जो भी लिस्ट की लेंथ होगी वहां तक हमें चलाना है, जीरो से लेकर के. इसके बाद नेक्स्ट वाला जो लूप होगा जे, उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, और इसको भी जीरो से ही स्टार्ट करके लेंथ तक ले जाएंगे. तो जो भी लेंथ यहाँ पे लिखी हुई है उसमें हम -1 कर देंगे, इसलिए क्योंकि हम जब भी लूप में चेक करेंगे तो +1 लगा के अगली वैल्यू को चेक कर सकते हैं. यानी कि अगर हम 2 में होंगे और हमें 2 को 3 से चेक करना होगा, तो 2 इंडेक्स में 1 ऐड करके 3 को चेक कर सकते हैं. बट अगर इस लॉजिक को हम चलाएंगे और हमारा लूप 3 पे पहुंचेगा, तो फिर 3 से आगे कोई वैल्यू है नहीं, तो +1 करेगा तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एरर आ जाएगी, कि आपकी एरे या लिस्ट में इससे आगे वैल्यूज हैं ही नहीं. तो हम चाहते हैं सिर्फ यहाँ तक चेक हो, और इसके अगले वाली वैल्यू को तो +1 से हम एक्सेस कर ही लेंगे, इसके आगे हमें जाने की नीड नहीं है क्योंकि इसके आगे नंबर नहीं है, इसलिए -1 यहाँ पे कर दिया गया. अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, और चेक करना है क्या, एक्स जे, जे कहाँ पे है, जीरो इंडेक्स पे, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू पे ही है, 4 पे. हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये बड़ा है, किससे, एक्स जे +1 से, यानी इस बार जे को ही चेक करेंगे हम. जे लूप यहाँ पे है, इसको चेक कर रहे हैं जे +1, यानी इससे 4 और 3 के बीच में चेकिंग हो रही. अगर ये नंबर बड़ा है तो हम स्वैप करेंगे, क्योंकि बड़ा वाला नंबर हमें आगे ले जाना है. तो यहाँ पे हमने चेक किया सी इज इक्वल एक्स जे, इसके अलावा एक्स जे इज इक्वल, स्वैपिंग का ये प्रोसेस है आपको पता ही है, एक्स जे +1 की वैल्यू हम एक्स जे में ट्रांसफर कर देंगे, और एक्स जे +1 को हम ट्रांसफर कर देंगे सी में. तो इस तरीके से स्वैपिंग हो जाएगी,
फिर जब हम लूप के बाहर निकलेंगे तो हमारे सारे नंबर स्वैप हो चुके होंगे और अरेंज भी हो चुके होंगे। हम इसको प्रिंट करेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एरर है, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको हटा के फिर से रन करते हैं। अगर लॉजिक सही है तो सारे नंबर अरेंज हो जाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सारे नंबर अरेंज होकर के आ गए हैं। तो देखिए यहाँ सेलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट दोनों ही सिंपल से लॉजिक हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सेलेक्शन सॉर्ट में हम एक वैल्यू को सेलेक्ट करके बाकी सबसे चेक कराते रहते थे, इसके बाद फिर दूसरी वैल्यू को उठा के बाकी सबसे चेक कराते थे, इसलिए यहाँ पे आई और जे के बीच में चेकिंग की गई थी। लेकिन बबल सॉर्ट में हम क्या कर रहे हैं, जे को ही चला रहे हैं, इसको इससे चेक कर रहे हैं, फिर ये वैल्यू चेंज हो करके इसको इससे चेक करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, एक एक करके हम बढ़ते जा रहे हैं। तो हम किसी एक वैल्यू को सबसे नहीं चेक करा रहे हैं, एक वैल्यू को होल्ड करते हैं, अगर वो बड़ी है तो उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से जो लार्जेस्ट नंबर है वो इधर आकर के सेट होता चला जाता है। तो ये बबल सॉर्ट का लॉजिक है, जिसमें बड़ा नंबर लास्ट में पहुंचता है और सेलेक्शन सॉर्ट में छोटा नंबर ऊपर आ रहा था। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंसर्शन सॉर्ट का लॉजिक और प्रोग्राम देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।